मित्रों, बहुत लंबी बात नहीं करनी। आज यहां पर झारखंड में एक विचित्र प्रकार का दृश्य हुआ है। गुरु जी ने झारखंड के राज्य की रचना के लिए एक आंदोलन छेड़ा कि झारखंड का विकास तभी हो सकता है जब झारखंड राज्य अलग बने, और उसी गुरु जी के सुपुत्र हेमंत जी सत्ता हथियाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी की गोदी में बैठकर मुख्यमंत्री बनने के लिए निकले। मैं भाई हेमंत सोरेन को इतना पूछना चाहता हूं कि जब झारखंड के युवा अलग झारखंड के लिए अपनी आहलेख जगाते थे, आंदोलन करते थे, पुलिस की लाठियां, गोलियां, टीयर गैस खाते थे, उस वक्त कौन डंडे चलाता था, कौन गोलियां चलाता था? यही आरजेडी और कांग्रेस पार्टी झारखंड को रोक कर बैठी। आज आप मुख्यमंत्री बनने के लिए वही कांग्रेस पार्टी, वही आरजेडी के साथ मिलकर आए। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, झारखंड का अलग राज्य तब तक नहीं बना जब तक केंद्र में कमल फूल की सरकार नहीं हुई, भाजपा की सरकार नहीं हुई। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने झारखंड राज्य की रचना करने का काम किया, और 5 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने ये 5 साल के अंदर झारखंड को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया है। ये झारखंड जो कभी नक्सलवाद के कारण विकास के रास्ते से भटक गया था, युवा गुमराह हो चुका था, और झारखंड के अंदर रोड बनाना, बिजली पहुंचाना, अरे शौचालय और पानी पहुंचाना भी दुष्कर हो गया था, उस वक्त ये रघुवर दास और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने, ये डबल इंजन सरकार ने झारखंड के अंदर से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक दिया, और आज झारखंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा। मित्रों, जो जर्जर व्यवस्था के अंदर झारखंड भारतीय जनता पार्टी को मिला, ये 5 साल के अंदर झारखंड के घर घर में बिजली, शौचालय, गैस का चूल्हा, पीने का पानी और सखी मंडलों के माध्यम से माताओं को रोजगारी देने का काम हुआ है। और जो लोग अपने आप को झारखंड का हितैषी कहते थे, वो जब जब सत्ता पर आए भ्रष्टाचार के अलावे कुछ नहीं किया। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि आप फिर एक बार पूर्ण बहुमत की कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर मोदी जी को झारखंड का विकास करने का मौका दें। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।